आज बुधवार को केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि बिहार में गंगा नदी पर दीघा से सोनपुर के लिए 6 लेन पुल बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। 5 घंटे का सफर अब 3 घंटे का इस पुल के बन जाने से हो जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि 4.5 किलोमीटर लंबा ये पुल होगा, जिसकी लागत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि 3,000 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाएगा, जिसको आज मंजूरी दे दी गई है। और इस विषय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरी जानकारी साझा की है। तो चलिए इसके बारे में हम भी आपको विस्तार से बता देते हैं। नए साल से पहले मोदी कैबिनेट ने बिहार के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल कैबिनेट में बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनाने को मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पटना के दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने पूरी जानकारी साझा की है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा, इसको लेकर पूरी बातें बताई है। यह पुल नॉर्थ और साउथ बिहार को जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही यह 6 लेन पुल बुध सर्किट पर भी कनेक्ट करेगा। जानकारी के अनुसार पटना के दीघा से सोनपुर के बीच चलने वाला ये पुल बेतिया मोतिहारी को भी कनेक्ट करने वाला है। बता दें कि दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर बनने वाला यह पुल बिहार का दूसरा पुल होगा। जानकारी के अनुसार इस पुल के निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पुल के नीचे से बड़े जहाज निकल सकेंगे, ताकि देश में नदियों के जलमार्ग को भी बढ़ावा देने की योजना बढ़ाया जा सके। इस पुल के बन जाने से बिहार की राजधानी पटना से उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत भी होने वाली है। वहीं फिलहाल पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले दूसरे पुल जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का लोड कम हो जाएगा, जिसके लिए आज भारत सरकार की तरफ से जब कैबिनेट की बैठक बुलाई तो उसमें एक अहम निर्णय लिया गया और कहा गया कि पटना के दीघा गंगा घाट से सोनपुर के बीच यह 6 लेन पुल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी और कुल खर्च 3,000 करोड़ रुपए लागत बताया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरी जानकारी साझा की है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।